चलिए आगे बढ़े। अ सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक विच कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली। द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द फोर ईयर इज दिस एंड द अमाउंट बिकम्स दिस आफ्टर 8 ईयर्स। फाइंड द मनी डिपॉजिट एट द इंटरेस्ट रेट। सवाल यह है बच्चे कि क्या प्रिंसिपल है पता नहीं। टाइम का मैं बता देता हूं 4 साल, लेकिन बेटा जब हमारा हाफ ईयरली है तो एन यहां पर 8 हो जाएगा। बात समझे, क्लियर है? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है भैया? मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन मेरा पैसा इस 4 साल में हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग एज अ अमाउंट कितना हो गया? मेरी बात समझिएगा कि यही पैसा, सवाल क्या है समझिए। एक प्रिंसिपल है, इन्वेस्ट करा 4 साल के लिए, तो 4 साल में ये अमाउंट बन गया। और ये अमाउंट कितना बना मेरा? ये अमाउंट मेरा बना 6,333.85। यही पैसा जब मैं 8 साल के बाद देखता हूँ, स्टार्टिंग से ही 8 साल, 8 मोर ईयर्स नहीं है, स्टार्टिंग से ही 8 साल है। 8 साल के बाद अपने इसी पैसे को देखता हूँ तो ये पैसा मेरा कितना बना हुआ मिलता है? 8,023.53। यही पैसा मेरा मिलता है 8 साल के बाद। तो सवाल है कि मैंने कितना पैसा प्रिंसिपल मैंने कितना रखा था, ये सवाल है। तो बच्चे आप इस बात को जरा समझिएगा, मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ अब आपसे। सबसे पहले अगर मैं इस अमाउंट के बारे में बात करूं, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता, जाहिर सी बात है, तो मैं इस अमाउंट की बात करूं, इस अमाउंट की क्या 8,023, मेरे पास में दो इक्वेशन है, चलिए मैं ये कर देता हूं। इस अमाउंट की अमाउंट फॉर्मूला क्या है इसका? एक बेसिक फॉर्मूला है, वो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 raised to power n। ठीक है, अब जरा मैं अमाउंट की बात करता हूँ तो अमाउंट कितना बन रहा है? 6,333.85। प्रिंसिपल पता नहीं, 1 + क्या रेट हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग जा रहा है? मैं हाफ ईयर रेट को r कंसिडर कर रहा हूँ, हाफ ईयरली को n, तो भाई 4 साल में मतलब कि 8 बार में हो रहा है। ठीक है जी, तो ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशन वन हो गया। अब मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पास में अमाउंट क्या है? 8,023.53। दिस वन अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + रेट, वही रेट तो सेम ही है, इसको मिटा देता हूँ, तो सोचो कि डिवाइड करा मैंने, कितना था मेरा? 8,023.53। हाँ जी, तो ये 8 साल में बन रहा है, तो मतलब एन यहां पर क्या है? यहां पर एन हो जाएगा मेरा 60। इक्वेशन टू, ये बात समझ में आपको आई कि मेरा ये अमाउंट बन रहा है, वही प्रिंसिपल 6 महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर मान लिया और मेरे एन टाइम में ये बन रहा है, वो भी पैसा सेम उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वही पैसा 16 बार में ये बन रहा है। अब मैं काम कर रहा हूं यहां पर क्या कि इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर देता हूं, उससे क्या होगा? पी से पी एलिमिनेट हो जाएगा, डिवाइड कट जाएगा, और बड़े को छोटे से डिवाइड, बड़ा अमाउंट है इसलिए बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट वाला तो लेफ्ट के इक्वल आएगा ना, क्या 8,023.53। और आपके पास कैलकुलेटर है तो घबराने की जरूरत क्या है? 6,333.85, ये डिवाइड हो गया। और वहां पे मैं डिवाइड अगर करूंगा, क्या डिवाइड करूंगा? 1 p 1 + r/100 raised to power 16 / p 1 + r/100 raised to power 8, तो आप समझते हैं कट जाएगा। और आपको पता है बेस सेम है, ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? ये बेस है, क्या ये बेस है और ये क्या है? पावर है। तो जब बेस सेम होता है तो डिवाइड के से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो बेसिकली क्या लिखोगे इसको आप? इसको लिखेंगे क्या आप? 1 + r/100 raised to power 8 लिखेंगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो अगर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एट जीरो टू थ्री पॉइंट फाइव थ्री डिवाइडेड बाय 6,333.85, तो क्या रिजल्ट आया मेरे पास में? 8,023.53।
divided by 6333.85. सिक्स सेवन है तो इसको मैं सेवन ले लेता हूँ, ठीक है जी, डिवाइड करके। और यहाँ पर क्या है मेरे पास में, यहाँ पर मेरे पास में है वन प्लस आर बाय 100 to power 8। क्लियर है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लेंगे। अब यहाँ पर मैं बोथ साइड लॉग लगा रहा हूँ, लॉग 1.267 इक्वल्स टू 8 लॉग 1 प्लस आर बाय 100, ये आ गया, क्लियर है। अब मैं यहां पर इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है, क्लियर है, किसकी, लॉग 1.26 की वैल्यू निकालिए। इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, देन लॉग 1 प्लस आर बाय 100, क्लियर है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो आपको वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है जी, पहला आप एक बार देख लें, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, हाँ जी। अब आप यहां पर क्या करेंगे, आप लॉग 1267 इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 0. जरा मुझे बताइए क्या आ रहा है, फिर मुझे पूरा टेबल पे जाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और 8 से उसको डिवाइड करेंगे, फिर एंटी लॉग की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप 1 माइनस करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं प्रोसेस बता देता हूं क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालना सिखाया मैंने, देन 8 से डिवाइड कर देना, कर दिया, उसके बाद लॉग को ले आना, तो एंटी लॉग की वैल्यू दोबारा से आपको निकालनी पड़ेगी और फिर 1 माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आर आपके पास में क्या आ जाएगा, आर आपके पास में 6% आ जाएगा। मेरी बात समझे, अब आप कहीं भी किसी भी इक्वेशन में आप किसी भी इक्वेशन में आप यहीं पर आर को 6% रिप्लेस करके क्या प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते हैं, आर को 6% लगा करके पावर 8 करके लॉग लगा करके आप यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, जो हमने पहले भी सीखा है। और खैर कैट वैट में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, बट वहां पर इतना टाइम लगाते नहीं है, वहां क्या करते हैं हम, वहां पे छोटे वाला जो अमाउंट, ध्यान रखना टाइम डबल होना चाहिए, टाइम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना, 4 साल से 8 साल डबल हो रहा है, तो उसमें क्या कर देते हैं हम, छोटे वाले अमाउंट को दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और बड़े वाले अमाउंट से हम डिवाइड कर देते हैं, ये चलता है भैया वहां तो, बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। तो वहां तो हम रेट कुछ, वहां पे तो हम इस तरीके से सीधा डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछ लीजिएगा। कोई डाउट, देख लीजिए, क्लियर है जी, कोई डाउट, तो यहां पर आपकी वैल्यू 0.1028 आया, फिर ये 8 से डिवाइड भी हो जाएगा एंड लॉग 1 प्लस आर बाय 100 आ जाएगा, और आप क्या करोगे डिवाइड करने के बाद 0.1028 डिवाइडेड बाय 8 0.0128, यहां पे क्या आ जाएगा, ये एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100। अब एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग टेबल से बता, वैसे निकालेंगे आप, क्लियर है जी, बस आपके पास ये चीजें क्लियर है या नहीं है, बस एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि जीरो है ना, तो इसके बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, देन उसमें से 1 माइनस कर देना, देन उसमें आर मल्टीप्लाई कर देना, आर इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 6% आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है जी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में काफी हैवी क्वेश्चंस थे यहां तक, हमने हर प्रकार के सवाल पे जो चर्चा करा है, अब जिन बच्चों समझ में नहीं आ रहा वो बच्चे मुझे बताएंगे। हाँ जी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया आपके पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में 6% आया था, उसको आप रिप्लेस कर दोगे, छह परसेंट को आप किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, यहां आप रिप्लेस कर दो 6% को, यहां पर
तो यहां से क्या निकल जाएगा? सॉल्व कर करके क्या आप लॉग लगा करके आठ उतार के क्या आप यहां से प्रिंसिपल ही निकाल सकते? करा था हमने इससे पीछे क्वेश्चन, क्लियर है? तो जी आपको चीज समझ में आ गई है, और थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आप फोर्थ सेमेस्टर में बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं, जितनी मेहनत आप बीकॉम ऑनर्स में कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप बीकॉम ऑनर्स में आप कर रहे हैं, इसका 50% अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेने में लगा दिया अभी से ही, तो सिलेक्शन पक्का है आपका, क्योंकि आपके पास में पूरा का पूरा 1.5 ईयर है। तो ये पूरा 1.5 ईयर आप दे दो अपनी प्रिपरेशन को। प्रिपरेशन किस टाइप की प्रिपरेशन? ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, आपको किस तरीके से पढ़ना है कि जैसे इसमें चार सब्जेक्ट हुए, वैसे तो इसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, कंप्यूटर है, पांच सब्जेक्ट हैं आपके। आप सबसे पहले यहां पर क्या काम कर सकते हैं, 6 मंथ आप मैथ्स को दे दीजिए। रीजनिंग आपका जो है 1 मंथ का सिलेबस होता है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत इजी होता है, क्लियर है? तो 1 साल आपने इसको दे दीजिए लगभग लगभग, उसके बाद आप 6 महीने इंग्लिश को दे दें। लास्ट में सेक्शन आपके पूरे हो जाएंगे, बस जैसे आप ग्रेजुएट होंगे तब जीके आपकी और कंप्यूटर चल रही होगी, तो आप एग्जाम्स के फॉर्म अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम्स को निकाल देंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी में ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट होती है, अलग अलग पोस्ट होती है, बट एक अगर अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो आप 80,000 के आसपास आप पहुंचते हैं, और अगर आप 12th लेवल की सरकारी नौकरी भी पार कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब के बाद, तब भी आप 50,000 रुपए के आसपास सैलरी आपकी रहती है, और हर साल 4 से 5 हजार रुपए या 3 हजार रुपए आपका हर साल बढ़ना है तो बढ़ना ही है, क्लियर है? और 8-10 साल में पे कमीशन लगता है, तो जैसे कि मतलब अगर उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है 5-7 साल में, तो फिर पे कमीशन में डबल भी होने की डबल हो जाते हैं, तो ये आपका 2 लाख, फिर आपका 1,60,000 रुपए आपके पास पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही आपके लाइफ टाइम में रिटायरमेंट तक 5 से 7 लाख रुपए तनख्वाह होती है सरकारी नौकरी में, जो आज की डेट में जो सिलेक्शन लेगा उनकी मैं बात बता रहा हूं, ठीक है जी? तो ये कुछ धीरे धीरे बात बता भी देते हैं ताकि आप अवेयर रहें।